बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान सूरह तकवीर सूरह नंबर 81। और जब सूरज लपेट दिया जाएगा और तारे बिखेर दिए जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे और बहुत कीमती पालतू जानवर की भी किसी को परवाह ना होगी। जंगली जानवर एक जगह समेट दिए जाएंगे, समंदर भड़का दिए जाएंगे, जाने अपने जिस्म में डाल दी जाएंगी। और जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा कि उसे किस कसूर में कत्ल किया गया, जब सारे सहीफे नस्र कर दिए जाएंगे, जब आसमान का पर्दा हटा लिया जाएगा, जब जहन्नम देखा दी जाएगी और जन्नत करीब ले आई जाएगी, उस दिन हर इंसान जान जाएगा कि वो क्या लेकर आया है। ये एक रसूल करीम का कौल है जो ऊपर वाले के यहाँ पर बहुत कुव्वत का मालिक है। उसका हुक्म माना जाता है, वो अमानतदार है, तुम्हारा साहिब मजनून नहीं है। उसने उसे खुले हुए उपक पर देखा था, जो गेब के मामले में बखील नहीं है। ये किसी शैतान मर्दूद का कौल नहीं है। फिर तुम किधर चले जा रहे हो, ये तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है, उसके लिए जो सीधे रास्ते पर चलना चाहे। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, सब रब्बुल आलमीन की मसीहत से होता है। ये सूरह तकवीर का खुलासा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान सूरह इन्फितार सूरह नंबर 82। जब आसमान फट जाएगा और तारे बिखर जाएंगे, कब्रें खोल दी जाएंगी, उस दिन सबको अपना अपना अगला पिछला सब मालूम हो जाएगा। ए इंसान, तुझे किसने धोखे में रखा? उसने जिसने तुम्हें सलाहियत दी, तुम पर निगरान मुकर्रर है ऐसे मौजज कातिब जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं। नेक और बद जन्नत और जहन्नम में जाएंगे, उस दिन फैसले का इख्तियार बस अल्लाह को होगा। ये सूरह इन्फितार का खुलासा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान सूरह मुतफ़फ़ीन सूरह नंबर 83। तिजारत में बेईमानी करने वालों के लिए तबाही है। एक दिन सब रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे। बदकारों का रिकॉर्ड सिज्जीन में रखा जाता है और नेक लोगों का रिकॉर्ड इल्लीन में होता है। बुरे लोग उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम रखे जाएंगे। नेक लोग मसनदों पर बैठे ऐश कर रहे होंगे। मुजरिम लोग दुनिया में ईमान वालों को मजाक उड़ाते थे, उस दिन ईमान वाले कुफ्फारों पर हंसेंगे। मिल गया ना काफिरों को उनकी हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे। इस सूरह इन्फितार खुलासा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इंशिकाक सूरह नंबर 84। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान सूरह इंशिकाक सूरह नंबर 84। जब आसमान अपने रब की हुक्म की तामील में फट जाएगा और जमीन अपने बोझ बाहर फेंक कर खाली हो जाएगी, उस दिन जिसके नामा आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, उससे हल्का हिसाब लिया जाएगा और वो खुशी खुशी अपने घर वालों की तरफ पलटेगा। और जिसके नामा आमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे, वो मौत को पुकारेगा, वो दुनिया में अपने घर वालों में मग्न था, तुम्हें यकीनन आसमान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ सफर करना है। इन ईमान ना लाने वालों को क्या हो गया है कि जब कुरान पढ़ा जाता है तो सरे तस्लीम खम नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दे। और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है। ये सूरह इंशिकाक का खुलासा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान सूरह बुरूज। जिस घड़े में दहकते हुए ईंधन की आग थी, उसके किनारे बैठने वाले तबाह हो गए। अहले ईमान से उनकी दुश्मनी इसलिए थी कि वह अल्लाह पर ईमान लाए थे जो आसमान और जमीन का मालिक है। जिन लोगों ने मोमिन मर्द और औरतों पर सितम तोड़े और तौबा ना की, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और ईमान लाने के बाद अमल करने वालों के लिए जन्नत में बाग जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। यह एक बड़ी कामयाबी है। तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। फिरौन और समूद के लश्कर उसके घेरे में हैं। यह कुरान बुलंद पाया है और लोहे महफूज में है। ये सूरह बुरूज का खुलासा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान सूरह तारिक सूरह नंबर 86। आसमान और उसमें नोकिंग स्टार की कारीगरी गवाह है। अल्लाह इस पर कादिर है कि जिस इंसान को उसने एक हकीर मादे से पैदा किया, उसे वह दोबारा पैदा कर सके। उस दिन पोशीदा रातों की भी जांच होगी। ऊपर की तापकारी को ऊपर और नीचे की अबखरात का नीचे की तरफ लौटा देने वाला आसमान और फट जाने वाली जमीन गवाह है कि यह कोई हंसी मजाक नहीं है। मुखालिफिन कुछ चाले चल रहे हैं, अल्लाह का अपना मनसूबा है और उनकी चालें उन्हीं पर उलट जाने तक जरा उन्हें छोड़ दो। ये सूरह तारिक का खुलासा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आला सूरह नंबर 87। उस रब के दिए हुए काम में तेजी से लगे रहो जिसने पैदा करके तनासुल कायम किया, तकदीर बनाई, फिर राह दिखाई, जिसने नबातात उगाई, फिर उसने इनको सिया कूड़ा करकट कर दिया। अल्लाह तुम्हें पढ़वा देगा, फिर तुम भूलोगे नहीं सिवाय इसके जिसमें उसकी मसीहत हो।
जिसे नसीहत में फ़ायदा हो उसे नसीहत करो, और जिसने पाकिजगी इख्तियार की और अपने रब के नाम का जिक्र किया और नमाज अदा की वो फला पा गया। मगर तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है। पिछले सहीफ़ों में से इब्राहिम और मूसा के सहीफ़ों में यही कहा गया है। ये सूरह आला का खुलासा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह गासिया, सूरह नंबर 88। तुमने उस रोज़ छा जाने वाली आफत के बारे में सुना है। उस दिन अहले जहन्नम के चेहरे खौफज़दा होंगे, अहले जन्नत के चेहरों पर रौनकें होंगी। ऊँटों की साख, आसमानों की रिफत, पहाड़ों की जमावट और ज़मीन का फैलाव सब अल्लाह के कुदरत की गवाह हैं। तुम्हारा काम जबर करना नहीं है। तुम नसीहत किए जाओ, मुंह मोड़ने वालों को अल्लाह भारी सजा देगा। अल्लाह की तरफ से उनकी वापसी है, फिर उनसे हिसाब ले लेगा। ये सूरह गासिया का खुलासा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान सूरह फज्र, सूरह नंबर 89। हिदायत का सवेरा जुनूद रात के बाद हुआ। ये दोनों गवाह हैं कि मुनकरीन का अंजाम इबरतनाक हुआ। आद और समूद और फिरौन की कौम, ये सब अपने वक्तों की बड़ी ताकतों वाले फसादी थे, पकड़े गए। इंसान दुनिया की नेमतों को, अपनी इज्जत और रिस्क की तंगी को अपनी जिल्लत समझता है। तुम माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर यतीम और मिस्कीन के हक अदा नहीं करते और मीरास का माल सब हजम कर जाते हो। जब जहन्नम सामने आ जाएगी और फरिश्ते सब बस्ता खड़े होंगे, उस दिन हसरत करने से क्या हासिल। उस दिन अल्लाह ऐसा अजाब देगा वैसा अजाब देने वाला कोई नहीं। उस दिन नफ्स मुतमईना से कहा जाएगा, तो अपने रब की तरफ इस हाल में पलट कि अल्लाह तुझसे राजी और वो तुझसे राजी, और मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये सूरह फज्र का खुलासा मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान सूरह बलद, सूरह नंबर 90। यह शेर गवाह है, इसके लोगों ने तुमको बहुत दुख पहुँचाए। दरअसल अल्लाह ने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। इंसान इस दुनिया में अपनी लज्जतों से जीना चाहता है, अपनी पसंद के लिए खूब माल उड़ाता है, लेकिन दुश्वार घाटी में दाखिल नहीं होता। दुश्वार घाटी में दाखिल होने का मतलब गर्दन छुड़ाना, यतीम और मिस्किन को खिलाना, उसके बाद ईमान वालों में शामिल होकर साबित कदमी और रहम की ताकीद करना। ऐसे लोग दाएं बाजू वाले होंगे, और जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया वो बाएं बाजू वाले होंगे, उन पर आग छाई हुई होगी। ये सूरह बलद का खुलासा मुकम्मल हुआ।